इस वीडियो में हम बात करेंगे गेट्स ग्लिडन ड्रिल की, एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट में, आरसीटी रूट कैनाल ट्रीटमेंट में जिन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज़ करते हैं उनमें से एक है जीजी ड्रिल्स या गेट्स ग्लिडन ड्रिल्स। तो इसको हम देखेंगे कि ये कैसा होता है, इसकी कुछ डिटेल्स हम देखेंगे कितने साइज़ में आता है, और इसको आपको मैं अलग से दिखाऊंगा भी, इसके यूजेस क्या क्या हैं, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें नोटिफिकेशन के लिए। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो पहले इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं, फिर हम यूजेस देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं गेट्स ग्लिडन ड्रिल की, या गेट्स ग्लिडन बस भी इसको बोलते हैं। तो ये आप देख रहे हैं इसका डिज़ाइन, ऐसा डिज़ाइन होता है, इंजन ड्रिवन इंस्ट्रूमेंट है, हम इसको माइक्रोमोटर में जनरली यूज़ करते हैं, लैच टाइप इंस्ट्रूमेंट है, माइक्रोमोटर में जैसे लैच होता है तो लैच टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और इसका शेप आप देख रहे हैं कैसा होता है, और जो इसकी कटिंग एज है वो फ्लेम शेप की होती है, फ्लेम शेप्ड कटिंग एज इसमें होती है। और इसकी हम कटिंग एज की बात करें तो जैसे आप देख रहे हैं फ्लेम शेप्ड जो कटिंग एज होती है, इसमें जो इसकी टिप होती है ये नॉन कटिंग होती है, इसमें ब्लेड्स नहीं होती, ये कट नहीं करता, लेटरली ये कट करता है, इसकी जो ब्लेड्स होती हैं ये साइड में होती है, तो केनाल को ये लेटरली कट करता है, एपाइकली कट नहीं करता, ताकि परफोरेशन ना हो, इसलिए ऐसा डिज़ाइन इसका बनाया जाता है। और इसका डिज़ाइन देखिए आप, ये जो देख रहे हैं इसका शेंक, इसका जो वीकेस्ट पार्ट होता है वो यहाँ पर, जो ये पार्ट आप देख रहे हैं ये इसका वीकेस्ट पार्ट है, वो इसीलिए जब हम इसको केनाल में यूज़ करते हैं, अगर चांसेस होते हैं इसके टूटने के, अगर ये टूट जाता है तो इजीली हम इसको निकाल पाएँ, रिट्राइव कर पाएँ, यहाँ से ये ना टूटे, अगर यहाँ से टूटता है तो फिर प्रॉब्लम होगा, इसलिए इसका डिज़ाइन ही ऐसा बनाया जाता है कि टूटता है तो यहाँ से टूटेगा, इसको हम इजीली रिमूव कर सकते हैं। अब इसके साइज़ की बात करते हैं तो 1-6 के साइज़ में आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे साइज़ में आता है, और ये साइज़ होते हैं डायमीटर के अकॉर्डिंग। इसकी जो लेंथ की बात है वो अभी मैं आपको जब दिखाऊंगा तो समझाऊंगा, वो भी अलग अलग आते हैं, अलग अलग लेंथ का ही आता है, लेकिन जो इसका डायमीटर है वो 1-6 होता है। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये नंबरिंग आप देख रहे हैं, 1 मतलब जो इसका डायमीटर होगा, कटिंग एज का डायमीटर होता है वो 0.50 mm, जो 2 होगा 0.70 mm, ऐसे ही 3.90 mm बढ़ते जाएगा, 4 1.1 mm, 5 नंबर जो होगा वो 1.3 mm, और 6 नंबर 1.5 mm, सबसे बड़ा जो होगा 6 1.5 mm का कटिंग एज इसमें होता है, और जैसा मैंने आपको बताया लेटरली ये कट करता है, अपाइकली कट नहीं करता। इसकी जो स्पीड होती है इसको हम 750 से 1500, 750 rpm से 1500 राउंड पर मिनट तक हम इसको यूज़ करते हैं। स्टेप बैक टेक्निक और क्राउन डाउन टेक्निक दोनों में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। चलिए अब आपको मैं इसको दिखा देता हूँ, इसके बाद हम यूजेस की बात करेंगे कि क्या क्या इसके यूजेस होते हैं। चलिए पहले इसको हम देखते हैं। तो देखिए ये ऐसे जीजी ड्रिल्स आती हैं, गेट्स ग्लिडन ड्रिल्स आती हैं। तो जो मैं साइज़ की बात कर रहा था, पहले आप देख लीजिए ऐसे पैकिंग में आती हैं, इनमें कंप्लीट नहीं है, एक एक इनमें नहीं है। तो जो नंबर की हम बात कर रहे थे वो यहाँ पर लिखा हुआ है 1-6। अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1-6, 1-3 ऐसे 6 तक होती है डायमीटर, अभी हमने समझा, ऐसे ही ये है। जो लेंथ की मैं बात कर रहा था, शेंक के लेंथ की, तो ये देखिए इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है 32 mm, और ये वाला आप देखेंगे तो 28 mm। तो ऐसे अलग अलग लेंथ से भी आती है, ये आपको थोड़ी लंबी दिखेगी और ये थोड़ी छोटी है। खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ एक बड़े साइज़ की, तो ये 6 नंबर जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए अभी हमने जैसा बोर्ड में समझा, ये लेस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेंक इसका, देखिए इसका जो वीकेस्ट पार्ट है वो ये है यहाँ पर, और फ्लेम शेप का ये होता है, देख सकते हैं, और जो इसका टिप होता है ये नॉन कटिंग होता है, इस लेटरली कट करता है क्योंकि। और एक मैं इससे आपको दिखा देता हूँ तो लेंथ का आपको पता चल जाएगा, ये देखिए
अलग अलग लेंथ से भी आते हैं। तो जहाँ भी जैसा भी यूज़ हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये जीजी ड्रिल है। चलिए अब इसके यूजेस हम देख लेते हैं। तो गेट्स ग्लिडन के यूजेस जो हैं वो फर्स्ट रूट कैनाल ओरिफाइस एनलार्जमेंट। जब हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करते हैं तो ओरिफाइस एनलार्जमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जो रूट कैनाल ओरिफाइसिस होते हैं उनको एनलार्ज करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा कोरोनल फ्लेयरिंग, हम कोरोनल प्रिपरेशन जब करते हैं उस समय हम इसका यूज़ कर सकते हैं कोरोनल फ्लेयरिंग के लिए। जो कोरोनल पार्ट है हमारे कैनाल का उसको फ्लेयर अप करने के लिए। इसके बाद थर्ड इन कैल्सीफाइड कैनाल्स, अगर कोई कैनाल कैल्सीफाइड है, फाइल्स वहाँ पर नहीं जा रही है और हमें दिख रहा है कि उसकी ओपनिंग कैल्सीफाइड है और नीचे कैनाल है, तो उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं कैल्सीफाइड कैनाल्स को ओपन करने के लिए। और देखते हैं ड्यूरिंग इंस्ट्रूमेंट रिमूवल, जो इंस्ट्रूमेंट ब्रेकेज अगर हो गया है कोई, उस समय हम जब प्रिपेयर करते हैं पाथ प्रिपेयर करते हैं उसको निकालने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, उस समय हम जीजी ड्रिल का यूज़ करते हैं पाथ बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए। इसके बाद रिमूवल ऑफ लिंगुअल शोल्डर ड्यूरिंग एंटीरियर आरसीटी, जब हम एंटीरियर ओपनिंग करते हैं, एक्सेस ओपनिंग करते हैं, उस समय लिंगुअल शोल्डर को हटाने के लिए भी हम जीजी ड्रिल का यूज़ करते हैं। तो ये कुछ यूजेज हैं जीजी ड्रिल के। इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं जो रीट्रीटमेंट होता है, री आरसीटी जो हम करते हैं, उस समय जीपी को निकालने के लिए जो पोस्ट प्रिपरेशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये अलग अलग यूजेज हैं जीजी ड्रिल के, गेट्स ग्लिडन ड्रिल के। तो ये था जीजी ड्रिल्स। और भी जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे के फाइल्स हैं, एच फाइल्स हैं, प्रोटेपर्स हैं, रीमर्स हैं, इन सब की वीडियोज़ भी आपको मिल जाएंगे चैनल में। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। होपफुली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर कर दें इसको। चलिए, और कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इजी डेंटिस्ट्री को, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।